श्री एंड इट्स ऑन पेज 1। आज हम क्लास 3 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है वी ऑल ग्रो। वी ऑल ग्रो, हम सब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या चीज़ पता लगेगी और हम क्या सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों को पता लगेगा कि इंसान में कितने चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो बढ़ता है। लिस्ट सम चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स एज दे ग्रो। और दूसरी बात, हम लोगों को पता लगेगा कि इंसान में कैसी खसूसियात, मतलब कितनी ऐसी खसूसियात हैं जो बदल नहीं सकती जैसे जैसे वो बड़ा होता है। जितनी भी उसकी ज़िंदगी होती है, इंसान में कुछ ऐसी खसूसियात भी होती हैं जो सारी उम्र चेंज नहीं होती। आइडेंटिफाई सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ्स। आपने कभी सोचा है कि आप एक बेबी से इतने बड़े कैसे हो गए? ऑल लिविंग थिंग्स चेंज एज दे ग्रो। सारी जानदार चीज़ें चेंज हो जाती हैं जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं। वी, हम एज ह्यूमंस, इंसान स्टार्ट अवर लाइफ्स एज बेबीज। हम इंसान भी तो ऐसे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी या बेबीज से तो स्टार्ट करते हैं। हम एक बेबी तो होते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं। लेट सी हाउ वी चेंज एज वी ग्रो ओल्डर। तो अब देखते हैं कि हम कितने बदल जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we don't have teeth, हमारे पास दांत नहीं होते to chew food, खाना चबाने के लिए। We can't talk, हम बात नहीं कर सकते। We cannot even sit or stand, यहाँ तक के ना हम बैठ सकते हैं ना हम खड़े हो सकते हैं। Because our bones are not strong enough to carry the body weight, क्योंकि हमारी हड्डियाँ इस काबिल नहीं होती कि वो हमारी बॉडी का वेट उठा सकें। हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। After few months, कुछ महीनों बाद our teeth appear, हमारे दांत निकलना शुरू होते हैं। Our bones become strong, हमारी हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं। Even and we can sit, इतनी ज़्यादा मतलब इस हद तक कि हम लोग बैठने के काबिल हो जाते हैं। We also start speaking a few words, हम कुछ words भी बोलना start कर देते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जैसे हमारे घरों में मतलब babies वगैरह कोई पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, ना तो वो बैठ सकता है, ना वो खड़ा हो सकता है, ना वो खुद चल सकता है, इवन तो वो तो खुद खा भी नहीं सकता, ना उसके पास दांत होते हैं खाना खाने के लिए। ऐसा ही है ना। वी कंटिन्यू टू ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। एज वी ग्रो वी चेंज इन मैनी वेज, वी बिकम टॉल। उन्होंने कहा है कि हम एक मखसूस एज में, एक मखसूस उम्र में बढ़ना स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम में काफ़ी चेंजेस आते हैं। हम बहुत से वेज में बदल जाते हैं, हम लंबे भी हो जाते हैं। वी ऑल्सो गेन वेट, हम वेट मतलब हम वज़न भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। डू यू नो हाउ मच यू वे, मतलब आपको पता है कि आपका वज़न कितना है? आप बता सकते हैं आपका वज़न कितना है? वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, रन एंड जम्प, भाग सकते हैं और कूद भी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टॉक प्रॉपरली, हम प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वी बिकम ओल्ड, हम बूढ़े होने लग जाते हैं। आवर हेयर टर्न्स ग्रे, हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। ऐसे ही है ना, हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके बाल वाइट हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, वो कितने कमज़ोर हो जाते हैं। बोन्स बिकम वीक, हमारी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं। आवर स्किन गेट्स रिंकल्ड, हमारी जो फेस है, हमारी स्किन है, उस पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। ऐसे ही है, देखो हम बेबी हैं, बेबी से पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर एक ऐसी एज में चले जाते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ आता है। हम प्रॉपरली बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बूढ़े होने लग जाते हैं। वक्त के साथ साथ ही है ना सब कुछ। इसका मतलब इंसान ग्रो करता रहता है, कोई भी लिविंग थिंग हो वो ग्रो करती है। ऑल्दो वी चेंज एज वी ग्रो, अगरचा हम बड़े होने के साथ साथ बदल जाते हैं, देर आर सम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ्स, लेकिन कुछ ऐसी ज़ाहरी खसूसियात होती हैं कि जो कि सारी ज़िंदगी नहीं बदलती। डू यू नो व्हाट कलर योर आइज आर, क्या आपको पता है, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी आंखों का क्या कलर है? इफ़ दे आर ब्राउन, अगर वो ब्राउन है, दे विल रिमेन ब्राउन, तो वो ब्राउन ही रहेंगी इन अ सिमिलर वे, उसी वे में। ब्लैक आइज रिमेन ब्लैक, जो ब्लैक आइज हैं वो ब्लैक ही रहेंगी। द कलर ऑफ योर आइज डजंट चेंज एज यू ग्रो, जो आपकी
आंखों का जो कलर होता है, जो आपका आई कलर होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, जितने भी भर जाओ आप, जितने भी बड़े हो जाओ। एन अदर स्पेशल थिंग इज़ अवर फिंगरप्रिंट्स। और इससे इसके अलावा एक और चीज़ है, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी हाथों की उंगलियों के निशान, दे नेवर चेंज, वो भी कभी नहीं बदलते, दे रिमेन द सेम फ्रॉम आवर बर्थ टू ओल्ड एज। हमारे पैदा होने से लेकर हमारे बुढ़ापे तक वो भी सेम ही रहते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे हाथों के निशान भी नहीं बदलते। लाइकवाइज वैसे ही आवर हेयर लाइंस डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज वी लाइव। उसी तरह जो हमारे बाल होते हैं, बालों की जो लाइंस होती हैं, हेयर लाइंस होती हैं, वो भी नहीं बदलती, उनका जो कलर है वो सेम वही रहता है, ठीक है। या फिर कह लो कि अगर स्ट्रेट हैं तो वो स्ट्रेट ही रहते हैं, अगर कर्ली हैं तो वो कर्ली ही रहते हैं, मतलब सारी ज़िंदगी वो भी ऐसे ही रहते हैं, सेम जैसे बचपन में होते हैं वैसे ही बुढ़ापे तक रहते हैं। सम ऑफ अस हैव अ हेयर लाइन दैट गोज स्ट्रेट अक्रॉस अवर फोरहेड, अदर्स हैव अ हेयर लाइन फ्रॉम दैट फ्रॉम अ वी शेप। उसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनका आगे से जो कह लो कि जो हेयर लाइन होती हैं, जो बाल होते हैं, वो एक मतलब कि वो फोरहेड से गुजर के एक शेप में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल उनके बीच में से मतलब मांग निकली होती है, ऐसे ही, और दोनों तरफ बाल होते हैं, तो वो कुछ लोगों के शुरू से ही होते हैं और वो एंड तक ऐसे ही रहते हैं। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर, होप सो आप लोगों को समझ आया है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।